नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यूपी में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर बिगड़ी कानून व्यवस्था, बेरोजगारी के खिलाफ समाजवादी ने साइकिल यात्रा निकाली है, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता झांसी के इलाइट चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। साइकिल यात्रा का शुभारंभ करते हुए डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि आज राष्ट्रीय नेता पंडित जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर यह साइकिल यात्रा निकाली गई है। प्रयास किया जा रहा है, आज पूरे प्रदेश का माहौल बहुत ही अनिश्चितता पूर्वक है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे शासन प्रशासन से हमें संघर्ष करना है, हमें लोगों को न्याय दिलाना है। कानून और व्यवस्था की स्थिति को कायम रखने के लिए अगर लोगों के साथ अन्याय होता है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी लड़ेगी। इसके लिए आज हमारे राष्ट्रीय नेता पंडित जनेश्वर मिश्रा जी का आज जन्मदिन है। हम उनके जन्मदिन पर हम लोगों ने तय किया है कि संघर्ष का ऐलान करते हुए पूरे प्रदेश में कि हम समाजवादी पार्टी संघर्ष के लिए अब सड़कों पर उतर आई है। हम संसद से लेकर के सड़क तक संघर्ष करने का काम करेंगे। जब तक कि लोगों को न्याय नहीं दिला लेंगे, जब तक लोगों को उनका हक नहीं दिला लेंगे, जब तक प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूत नहीं कर लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और 2022 में आने वाला विधानसभा का चुनाव है। हमारा ये लोगों से अपील है, हम चाहते हैं कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए, विकास के दरवाजे खोलने के लिए समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना है 2022 में। और ये 2022 का हमारा संकल्प आज से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, और जब तक हम लोग 2022 का जो मिशन पूरा नहीं कर लेंगे, हमारा ये जो है संघर्ष लगातार जारी रहेगा।